हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने वीवो Y02 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है मैसेज टोन सेटिंग को आप जो है ना डिसेबल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये मैसेज टोन सेटिंग जो है ना डिसेबल होने के बाद ये सेटिंग काम कैसे करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे डिटेल वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज आपको ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ये साउंड का, साउंड पर आपको इसे सिलेक्ट करना है। अब साउंड के इस पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा ये मैसेज टोन का, मैसेज टोन पे आपको इसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब मैसेज टोन का ये पेज आ जाएगा, यहाँ पर आपका आपको जो है ना करना क्या है, मैसेज टोन को डिसेबल करने के लिए आपको ये ना सिस्टम रिंगटोन की इस कैटेगरी में आपको ये म्यूट का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। म्यूट के ऑप्शन के ठीक सामने जो सर्कल दे रखा है ना, इस सर्कल पर आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से टिक मार्क लग जाएगा इस सर्कल पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो ये मैसेज टोन सेटिंग है आपकी जो है ये डिसेबल हो जाएगी, ठीक है। अभी मैसेज टोन सेटिंग जो है ना डिसेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करेगी ये मैं आपको बता देता हूं। आपके मोबाइल फोन पे अगर कोई भी मैसेज आता है, मैसेज कौन सा, काफी सारे लोग ना नोटिफिकेशन समझ लेते हैं, लेकिन आपका ये जो टेक्स्ट मैसेज होता है ना, टेक्स्ट मैसेज वाला, इसका अगर कोई भी मैसेज आता है ना आपके फोन पे, तो आपका मोबाइल फोन जो है ना इनमें से है ना किसी की भी मैसेज टोन को क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। ये जो आपको काफी सारी मैसेज टोन दे रखी है ना, इनमें से किसी की भी मैसेज टोन को क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। मतलब इनकी साउंड को क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सेटिंग जो है ना इस तरीके से काम करती है म्यूट करने के बाद, यानी कि डिसेबल करने के बाद मैसेज टोन सेटिंग आपके फोन में। अब मैं आपको ये मैसेज टोन सेटिंग जो है ना ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूं आपके मोबाइल फोन में। इसके लिए आपको करना क्या होगा, अपने फोन का ना सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज ओपन करिए। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये सर्च आइकन सेलेक्ट करना है और यहां पर आपको सर्च बार में टाइप करना है मैसेज टोन, ठीक है। जो सेटिंग का नेम है ना यहां पर आपको पूरा का पूरा टाइप करना है। तो आपको नीचे की साइड ये मैसेज टोन का ऑप्शन शो हो जाएगा, इसे सेलेक्ट करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन आपको ना डायरेक्टली सेटिंग पेज में आपको लेकर आ जाएगा और इस सेटिंग को हाईलाइट करेगा। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया सेटिंग को ढूंढने का।